इस तरह के प्रोजेक्ट को हैचरी प्रोजेक्ट बोलते हैं। हैचरी मतलब कि रोहू कतला नैनी सिल्वर कार्प कॉमन कार्प पीका ब्रीडिंग अंडा निकाल उसमें अंडा निकलती है वहाँ की हैच होती है। इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आपको लेना है बनाना है तो उसके लिए कम से कम 300 डिसमिल जमीन चाहिए। चाहिए या तो 10 साल से ऊपर का निबंधित पट्टा चाहिए, तब आप इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए इंटाइटल होंगे। इस तरह के प्रोजेक्ट का जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 22 लाख रुपया, जिसमें ईबीसी वगैरह को ईबीसी और जीएसटी को 90% सब्सिडी है और जनरल जो है ओबीसी और जनरल के लिए 40% सब्सिडी है। ईबीसी के लिए 90% हम लोग SC ST और EBC के लिए 90%, 22 लाख का 90% अनुदान है। जनरल के लिए 40% जनरल और मतलब अदर देन EBC SC ST 40% EBC भी 40% है। उसके बाद EBC और SC ST 90%। अच्छा हाँ सर। और इसके बाद जो है वो 40% तो इस हैचरी में जो कंपोनेंट होता है वो ये ओवरहेड टैंक होता है पानी का टैंक, दूसरा ये ब्रीडिंग टैंक जिसमें मछली को अपनी 4 घंटा पहले नर मादा जो प्रमोनस मछली अंडा दे रहा है उसको हम ब्रूडर टैंक से अलग तालाब से डालते हैं और इसमें पहले कंडीशनिंग करते हैं बगल वाला इसमें 4 घंटा जिससे कि उसके अंदर का वेट पूरा भर जाए, जब पूरा अंदर का मरूमित्र भर जाता है तब उसको सेंथेटिक हॉर्मोन से सुई दे करके नर को जो है जनरली मादा से 10.1 मिलीग्राम पर के जी कम दिया जाता है। ऐसे नर को हम 0.4 ml पर के जी दे सकेंगे तो मादा को 0.5 ml पर के जी एवरेज इंडक्शन का या के जी के हिसाब से दिया जाता है। सुझा दे करके इसमें छोड़ देंगे, एक नर एक मादा बराबर रिसीव रहता है, वो 3 गुना एक्स्ट्रा जब दिया जाता है कि अगर कोई ब्लड फॉल्स किया तो माफी उसको जो है फर्टिलाइजेशन का एक्सटर्नल होता है। 8 घंटा के बाद ये 5 घंटा तक ऊपर का सावर चलता है जो देख रहे हैं, ये 5 घंटा चलता है ये वाला। हाँ इसको सावर तो अभी नहीं लगाए हैं जिससे उसको एहसास होता है कि बारिश हो रही है, कि बारिश हो रही है, हम प्राकृतिक कंडीशन में नहीं मिल रहे हैं। 5 घंटा सुइया देने के बाद नीचे का करंट चला जाता है ये वाला गोल गोल, जिससे उसको पता चले कि नदी में है, नदी में मतलब प्राकृतिक ढंग से नेचुरल कंडीशन डेवलप किया जाता है। 1 घंटा करंट खाएगा वो तो हर नर मादा के साथ अपना पेयर बना देगा और 7 से 8 घंटा के बाद पॉपुलेशन स्टार्ट होगा। एक्टिव ब्रीडिंग आपको 1.5 से 2 घंटा तक, अंडा स्पर्म ऐसे रिलीज होगा, अंडा फीमेल अंडा रिलीज करेगी दूध की तरह हो जाएगा, पानी में ही फर्टिलाइजेशन होता है और ये अंडा यहाँ से आपको बाहर निकलेंगे एक कलेक्टिंग चैम्बर, वहाँ से अंडा को कलेक्ट करेंगे हर 15 मिनट में कलेक्ट करेंगे। पहले वाला सिस्टम में जो दिया जाता है आपको सवेरे कलेक्ट किया जाता है, एक लीटर ताज़ा अंडा जो है आपको 9 लीटर में कन्वर्ट हो जाता है पानी इन्वर्ट करने में। तो पहले सवेरे किया जाता था, अब ऑक्सीजनेशन फास्ट करने के लिए हर 15 मिनट के साथ साथ वहाँ है एक कलेक्टिंग चैम्बर। जना जना मास्टर जी थे ना जन से जब जिस समय ये होता है ना विवेक जी वो तो वहाँ है देखने में, इसमें नेट लगा रहता है, यहाँ लगता है कि ये हापा लगा करके इस सब में इसी में लगता है। अच्छा इसको इस स्ट्रक्चर को जो है 1 फीट नीचे करवा लीजिएगा और वहाँ खुदवा करके लोहा वाला 6 इंची का निपुल लगा के उसके आगे गन मेटल का भाल्व लगा दीजिए। इसके आगे अभी लगा ना इसके अंडा कलेक्ट करने के लिए यहाँ तक पानी देख के पानी का कोच कैसे बनाएगा जब तक चलने यहाँ रहता है कि बीच में डालने की पाइप जरूरत नहीं पड़ेगी, जितना इनकमिंग हो रहा है ना उतना आप भाग खोल देंगे तो अंडा भी आता रहेगा और पानी मेंटेन रहेगा। हर नया वाला कंसेप्ट में सीतानी जो पुराने वाले कंसेप्ट पे चल रहे हैं ना, नया वाला कंसेप्ट में हर 15 मिनट पे अंडा को उगना पड़ता है पराजा, तो उसके लिए ये तो ये जो हम लोग बनवाते हैं मात्र 2.5 फीट मतलब 1.5 फीट नीचे धंसा हुआ रहता है और 1 फीट ऊपर उठा हुआ रहता है और इस सब जगह ड्रिल करके पाइप लगा हुआ रहता है
जिसमें अंडा कलेक्शन करने के लिए हापा लगा हुआ रहता है। हापा का एक पार्ट उससे कनेक्ट होता है, उसके आगे वाल्व रहता है। जितना आप इनलेट खोले हैं उतना ही वाल्व खोल के रखिएगा, और वहाँ टर्न डाउन पाइप, यहाँ जो है टर्न डाउन पाइप रहेगा, जितना जितना हाइट है पानी का उतना ऊँचे एक टर्न डाउन पाइप लगा करके उसके बाद गिरेगा, जिससे कि कोच बना हुआ रहेगा। यहाँ पे जो चीज़ आप डाला है वो वहाँ डालना चाहिए था, और इसके बाद में सीधे आउटलेट यहाँ के बाद सीधा आउटलेट रहता है। यहाँ आप जो डाले हैं यही चीज वहाँ रहना चाहिए, ये वाला सर यहाँ रहना चाहिए, सीधे यहाँ से फिर आउटलेट है। हाँ, यहाँ से आउटलेट है आपका, ये चाबी खोलते हैं सीधे निकल जा रहा है। ये डाउनवर्ड्स चला गया सर, इसका हाइट मेंटेन करने के लिए प्रेशर, यहाँ एक चाबी लगाएंगे, इससे वो जस्ट ऊपर ही ऊपर हो जाएगा। अच्छा, तो ये 3 इंच का चाबी है। हाँ, ये पाइप 3 इंच डायरेक्ट बाहर। अच्छा सर, ये वाला सिस्टम वहाँ लगाते तो इसमें अंडा कलेक्ट हो जाएगा? ये वाला सिस्टम वहाँ लगाते हैं तो जितना पानी खुला रहेगा उतना पानी वहीं पर गवर्न हो जाएगा। लेवल मेंटेन रहेगा, लेवल मेंटेन करने का जितना खुला हुआ है उतना इधर खोल देंगे तो पानी अपना लेवल मेंटेन होने के बाद एक्स्ट्रा पानी निकलते रहेगा, और अंडा जो ब्रीड करती है वो सारा अंडा भी इसमें जमा लग कर। सर, ये तो बाहर में क्यों लगाएंगे? ये लगाए हैं ये अंडा, मतलब ये अंडा छान करके तब सारा पानी निकालने निकालने के लिए। अच्छा, लॉक कर देंगे तब पानी, मतलब पानी रहेगा वहाँ। जी सर, ये लॉक कर देंगे तब तो पानी वहाँ रहेगा, और पहले ये उसको वही लॉक करना था, जैसे कि अंडा हर 15 मिनट पे, इस सिस्टम में हर 15 मिनट पे अंडा नहीं छना। यहाँ पे 72 घंटा अंडा रहता है, इसके बाद में स्पान बन जाता है। एक ब्रीडिंग टैंक पे 2 हैचिंग टैंक का कंसेप्ट है। 2 हैचिंग टैंक में अंडा, जैसे कि 35, उसमें जो उसका कैपेसिटी है 35 से 40 केजी नर, 35 से 40 केजी मादा, यानी 80 केजी मछली को उसमें एवरेज 2 केजी का है, तो 40 पीस मछली को उसमें 20 पीस मादा को यहाँ देखे छोड़ेंगे। जो अंडा निकलेगा उसको इसमें रखेंगे, इसमें रखने के बाद नदी टाइप का स्ट्रक्चर, नीचे पानी बना हुआ है, नीचे नदी टाइप का स्ट्रक्चर इसमें घुमा कर घुमाया जाता है, जिससे कि मतलब वो ऑक्सीजन मिलता रहे और अंडा रुके नहीं, रुकेगा बैठेगा नीचे मर जाएगा। टेम्परेचर बढ़िया रहता है, करंट रहता है तो ऑक्सीजनेशन होते रहता है, बैठना नहीं होता, बैठना नहीं चाहिए। 14 घंटा के बाद टेम्परेचर बढ़िया है तो अंडा से बच्चा बाहर निकल आएगा, और 20-22 घंटा में क्लियर जाएगा, और इसके अंदर 80 माइक्रोन का मिस्ट लगा हुआ है। ये जाली के चारों तरफ से नेट लगा हुआ रहता है 80 माइक्रोन का, जो पानी को छान के अंदर जाने देगा, और उसमें पाइप लगा हुआ रहता है, जितना हाइट पे हम पानी रखेंगे उतना हाइट का उधर पाइप डाल देंगे, एक्स्ट्रा पानी इससे फिल्टर होकर के जाएगा, अंडा और बच्चा जो है उसके उधर नहीं जाएगा, अंडा बच्चा इसी दोनों चैम्बर के बीच में ना चाहिए। तो 14 घंटा के बाद ब्रस्टिंग होता है, 22 घंटा तक अंडा साफ हो जाता है, जितना जल्दी साफ कीजिएगा छिलका को उतना ज़्यादा सर्गाउंड होता है। जल्दी जल्दी साफ करने के लिए बत्ती लगा के नारियल का रस्सी लगा दिया जाता है कि जेड सेल जो नाचते रहता है उसमें चिपक जाए, हर 15 मिनट में उसको साफ करते रहना चाहिए। इसके बाद में देखते रहना है कि कब वो स्पान हो गया, 60 घंटा से 72 घंटा के बीच में वो स्पान में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चा तो बन गया 14 घंटा के बाद, लेकिन 72 घंटा के बाद स्पान जो पहला स्टेज बीज का होता है जिसको स्पान बोलते हैं, तो 72 घंटा के बाद आता है। अब आप हैचरिंग वाले स्पान को कैसे पहचानते हैं? उस स्टेज को नहीं पहचानता है जो आदमी नया हैचरिंग वाला, तो एक बार में आपको 50 मतलब पूरा इसमें कम से कम 50 लाख बच्चा तैयार होगा। सहवाटी का मतलब हुआ 500 के रेट से भी अगर जोड़ते हैं तो 50,000। तो अगर शुरुआती दौर में नया हैचरी वाला को क्या होता है कि हर 1.5 घंटा पे पानी चलना चाहिए, अगर आधा घंटा के लिए भी पानी बैठ गया तो सब बना बैठ जाएगा। हैचलिंग से स्पान बना, मुंह उसका खुला, उस समय तुरंत पहचान के टेक्निकल बारीकी की हैचलिंग और स्पान एक जब तक हैचलिंग रखता है। हाँ, दूसरा इसका पहचान है कि वो उजला दिखे,
तीसरा मैग्नीफाइंग ग्लास से देखिएगा तो उसके अंदर रिजर्व फूड मटेरियल होता है, जैसे अंडा के अंदर गीला वाला रिजर्व फूड होता है योक, तो उसी पे वो जैसे जैसे दूर झुकते जाता है, घंटा आगे बढ़ते जाता है, तो वैसे वैसे कम होते हैं और 60 घंटा से 72 घंटा के लिए पीला वाला पार्ट कंप्लीट गायब हो गया और समानांतर तैरने लगा और काला हो काला हो। तो उजला से काला होना, लंबवत नहीं तैर के समानांतर तैरना और पीला वाला पार्ट खत्म होना, ये तीन पहचान है स्पान में। इमीडिएटली तुरंत जो है स्पान कलेक्टिंग सेंटर में कलेक्ट करके यहाँ पे हाँ, और इसके बाद में काउंटर पे डाल करके स्टार्टर फीड 200 ml बच्चा पे एक एल्बुमिन वाइल्ड अंडा का 70% प्रोटीन होता है जी, उसको प्लैंकटन नेट से नाम ये पे रगड़ के धोती के ऊपर से रगड़ के, क्योंकि उसका जो पार्टिकल साइज बनना चाहिए उसको मुँह से छोटा होना चाहिए, मिल जाएगा सीधे ऐसे हाथ से ऊपर कीजिएगा तो मिल जाएगा। तो वहाँ खिलाते हैं, खिलाने के बाद जो कस्टमर आओ बेच लिए और जो नहीं रहा उसको नर्सरी में आई। यहाँ से पान कलेक्टिंग का कलेक्ट करने के बाद ये भी वही है ना, वो तीन है कैचिंग वाला, इस काउंटर पे डालते हैं, काउंटर पे डाल करके उसको आप अंडा स्टार्टर फीड खिलाइए, स्टार्टर फीड खिलाने के बाद जो है उसको बेच दिया जाता है। जनरली जतिया मोतिहारी में लीटर से बेचता है लेकिन ज़्यादातर बाटी से बेचता है। 1 लीटर स्पान जो है सूखा हुआ पानी नहीं रहेगा तो 5 लाख होता है और 200 ml 1 लाख होता है और 140 ग्राम जोक करके भी देता है तब भी 1 लाख होता है। तो इस हिसाब से बिकता है, लीटर से बाटी से ग्राम से बिकता है, जो बिका नहीं बिका उसको नर्सरी में रखता है। 1 लीटर में 5 लाख अंडा होता है, मोतिहारी समय जो देगा उसमें 200-250 ml रहता है, 75% पानी रहता है लीटर से जो देता है, लीटर से बेचने वाला 200 ml से पूरा सिखा करके बेचता है फिल्टर करके, वैसा 100 ml आपको 50 लाख 200 ml 1 लीटर 5 लाख। तो जो बिका नहीं बिका वो नर्सरी में डालते हैं, नर्सरी में डाल करके 3 दिन तक स्टार्टर से 1 लाख बच्चा पे, यानी 1 लाख बच्चा 200 ml है तो पहला वीक में 2 गुना ज़्यादा फीट देंगे, दूसरा वीक में 4 गुना, तीसरा वीक में 8 गुना। उदाहरण के तौर पे जो बच गया उसको नर्सरी में डालें, नर्सरी में डालने से पहले नर्सरी की तैयारी की जाती है, सारा कीड़ा मकोड़ा खत्म रहना चाहिए, फल्ली और चूना प्लास्टिक पर पहले से पड़ा रहना चाहिए, कीड़ा मकोड़ा नहीं रहना चाहिए, क्लीनर वगैरह डाल करके उसको उसमें डालेंगे। डालने के बाद पहला 3 दिन तक उसका नेचर रहता है किनारे किनारे रहे, तो स्टार्टर फीड के रूप में 2 लाख गमन कीजिए, 2 लाख 1 लाख बच्चा 200 ml पे 400 ग्राम मैदा या बेसन, उसमें फिर आपको 2 अंडा कच्चा अंडा और 50 ml तेल और 15-20 ग्राम एग्रीमीन और कोई भी मिनरल मिक्सर मिला करके 10 लीटर का घोल बनाएंगे, ड्रॉप के आधा 10 बजे और आधा 4 बजे देना कैसे है, तालाब के किनारे किनारे सब देना कैसे है, 3 दिन तक 3 दिन घोल बनाएंगे सर जी। सर तो देना कैसे सर मछली को, घोल करके किनारे किनारे घोल करके और 3 दिन के बाद फिर वो चीज हो जाएगा, 400 ग्राम 1 सप्ताह तक खल्ली चलेगा 1 लाख पे, अगला वीक में चलेगा 800 ग्राम खल्ली 1 लाख पे, तीसरा वीक में चलेगा 1 kg 600 ग्राम खल्ली और हो गया आपको 21 दिन और 3 दिन 24 दिन, 25वां दिन आप जो है उसको भोजन नहीं देंगे और फिर आधा दाल चला के जो जितना निकलेगा उसका आधा उसमें रहने देंगे और आधा दूसरे में शिफ्ट कर देंगे, तो ट्राइसेप फिंगरलिंग जल्दी बन जाता है। ट्राइसेप फिंगरलिंग और ईयरलिंग बनाने के लिए साइंस में कहता है हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी में शिफ्ट करना है, 1 लाख स्पान 1 महीना के बाद 25,000 रुपया करता है, एवरेज 40,000 भी आपका बन सकता है मैनेजमेंट बन गया है, उसके 2 महीना यानी रेट ऑफ फैटिंग से 3 महीना के बाद और टाई बनने के 2 महीना के बाद फिंगरलिंग होता है वो 50% होता है और उसके 3 महीना यानी रेट ऑफ हैचलिंग से 6 महीना जिसको ईयरलिंग बोलते हैं वो 90% बचता है
उस स्टेज को दूध में अगर आप अपने तालाब में डालते हैं 50 ग्राम से 100 ग्राम तक, जितना पीस डालिएगा उतना पीस निकालना चाहिए। यानी का मतलब 1 लाख स्पान 6 महीना के बाद एवरेज 10,000 से 12,000 50 ग्राम का बनता है, तभी 5 क्विंटल हुआ, आप समझ सकते हैं। 1 लाख स्पान 200 एंगल को रेयर करने में 5,000 रुपया भी खर्चा नहीं है। 5 क्विंटल का 200 के रेट से निकलेगा तो 1 लाख रुपया, ये प्रॉफिटेबिलिटी है। आइए सर।